ओके सो इन दिस सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ बजट डिस्कशन वी वुड बी डीलिंग एट द अनाउंसमेंट्स मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज एंड बेसिकली इन इंडस्ट्रीज यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स अब ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मध्य उद्योग तो फिर इनकी परिभाषा क्या है कि किसी उद्योग को सूक्ष्म कब बोलेंगे लघु कब बोलेंगे और मध्यम कब बोलेंगे पॉइंट इज गवर्नमेंट एज़ पर एम एस एम ई एक्ट टू थाउजेंड सिक्स इसके अनुसार एक परिभाषा है जो हाल फिलहाल तक लागू थी लेकिन इस बजट में अनाउंस करा गया है कि इस परिभाषा को अब बदलेंगे फिलहाल के लिए जो परिभाषा अभी तक लागू थी वो थी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कि ये जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं ये अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए मशीनरी में कितना इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर फर्स्ट टेबल देखेंगे तो माइक्रो एंटरप्राइजेज अगर वो 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस पाँच करोड़ और मीडियम एंटरप्राइजेस दस करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ में फॉल होते थे दिस वॉज़ द डेफिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ प्रोडक्शन करते हैं सर्विसेज में भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं इनके लिए परिभाषा सरकार ने अलग रखी थी जैसे अगर दस लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो दो करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल और पाँच करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम द पॉइंट इज जो अभी तक की एम की परिभाषा थी इट वॉज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स बजट 2020 में गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड कि दे आर चेंजिंग द डेफिनेशन एज़ पर यू के सिन्हा कमेटी रिपोर्ट एक यू के सिन्हा कमेटी वॉज स्टैब्लिश का कहना था कि ये परिभाषा बीते हुए दौर को दर्शाती है क्योंकि इसके बाद एक छोटा या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज स्टैब्लिश करने के लिए भी आपको आराम से एक करोड़ रुपए के मशीनरी इक्विपमेंट्स में खर्चों की आवश्यकता होती है तो आप नाइनटीन की या 2006 की डेफिनेशन के आधार पर इनका कैटेगराइजेशन मत कीजिए इनके लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें थोड़ा रेस करिए यू के सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो कि पहले सिर्फ एक क्राइटेरिया पे परिभाषा को डिफाइन करती थी दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अब दो क्राइटेरिया पे एमएसएमई को कैटेगराइज करा जाएगा दैट इज़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर एज यू कैन सी जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज के अब ये भेद भी ख़त्म कर दिया गया है पहले सर्विसेज के लिए अलग परिभाषा थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग थी अब मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो उसमें अगर आपको माइक्रो एंटरप्राइज का एमएसएमई का दर्जा चाहिए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक करोड़ से कम का होना चाहिए मशीनरी इक्विपमेंट्स में और जो आपका टर्नओवर है वो पाँच करोड़ से कम होना चाहिए माइक्रो एंटरप्राइजेस से अगली स्टेप आएगी स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस की परिभाषा में थ्रेश है इसका दस गुना मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है मशीनरी और इक्विपमेंट में वो दस करोड़ से कम होना चाहिए और आपका जो टर्न है वो पचास करोड़ से कम होना चाहिए ऐसे फिर अगला कैटेगरी बनाई गई है वो है मीडियम एंटरप्राइजेज यहाँ पर एज कम्पेयर टू स्मॉल क्राइटेरिया डबल के बेसिस पर सेट करा गया है फॉर एग्जांपल अगर आप स्मॉल एमएसएमई के कैटेगरी में आएंगे इसका मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ से कम का होना चाहिए इक्विपमेंट और मशीनरी में और आपका जो टर्न है वो सौ करोड़ से कम का होना चाहिए सो दिस हैज़ बीन द डेफिनेशन सेट रिमेंबर दिस डेफिनेशन इट वुड बी गुड टू INTRODUCE योर आंसर और आंसर सम QUESTIONS डायरेक्टली रिगार्डिंग MSMEs. Plus a ईज प्लस अ स्ट्रेट फॉर्वर्ड क्वेश्चन डस एक पॉसिबिलिटी है टू बी आज इन प्रिलिम्स तो दिस इज एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन रिवाइज डेफिनेशन याद रखिएगा और कमिटी का नाम यू के सिन्हा कमिटी आगे बढ़ते हैं एम एस एम ई पर इतनी बातें हो रही हैं यू माइट हैव हर्ड लेटेस्ट कोविड नाइन्टीन का जो इकोनॉमिक रिलीफ जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बीस लाख करोड़ का पैकेज है उसमें उन्होंने बोला है कि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लोकेट करा गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ऐसी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है एम की जस्ट सम ऑफ यू माइट बी कन्फ्यूजिंग यार एम एस एम ई का डेफिनेशन तो समझ में आ गया ये क्राइटेरिया पर हमारे आस पास नज़र कहाँ आती है जनरली इन मध्य प्रदेश वी लैक इंडस्ट्रियल हब्स तो वी आर नॉट सो मच अवेयर अबाउट एम एस एम ई लेकिन हमारे आस पास जो चीज़ें हैं दे आर बींग प्रोड्यूस्ड बाय एम एस एम ई से मैगी से इफ़ यू आर ईटिंग मैगी तो वो जो मैगी की पैकेजिंग हुई है उस पर फिर प्रिंटिंग हुई है वो प्लास्टिक बना है ऑल दिस इज़ समेयर डन बाय सम एम एस एम ईज ऐसे ही से बाटा इफ बाटा इज सेलिंग यू शूज़ वो जो जिस पैकेट के अंदर रख के दे रहे हैं उस पैकेट को किसी एम एस एम ई ने बनाया होगा वो जो बाटा रॉ मटीरियल सोर्स कर रहा है या फिर अपने चमड़े को कलर होने के लिए टैनिंग के लिए आ, काम करवा रहा है दिस माइट बी डन बाय सम एम एस एम ई तो ऐसे कई सारे छोटे लघु उद्योग हैं विच आर अराउंड अस इनकी इम्पॉर्टेंस फैक्ट ये तो मैंने काम एनी डोटल हमारे आसपास जो दिखता है उसके तहत इंपॉर्टेंस बताइए कुछ फैक्ट्स के थ्रू एग्ज इनकी इम्पॉर्टेंस देखते हैं विच कैन बी गुड फॉर योर मेन सब्सटेंशिएटिंग द आंसर इस पार्ट में से इम्पॉर्टेंस ऑफ एम एस एम ई एम एस एम ई में से डायरेक्टली फिल्म में से क्वेश्चन बनना मुश्किल है लेकिन सिंस आई थॉट वी आर डिस्कसिंग बजट एमएसएमई एस पर इतने अनाउंसमेंट है कोविड नाइन्टीन में के पैकेज में न्यूज़ में आई थॉट लेट अस डिस्कस इट इंपॉर्टेंस पहला थर्टी थ्री परसेंट ऑफ इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अगर सौ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भारत में तैंतीस परसेंट इज डन बाय एम एस एम ईज फोर्टी परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स आज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम एस एम ईज भारत में छः करोड़ एम एस एम ई यूनिट्स हैं इनमें से आधी से ज़्यादा आर इन रूरल एरियाज़ एंड रेस्ट आर इन अर्बन एरियाज सो यू कैन जस्ट इमेजिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम एस एम ईज कि जब आधी छोटे मध्यम लघु उद्योग अगर रूरल एरियाज़ में हैं तो उनकी इकोनमी एग्रीकल्चर के बाद शायद इन पर बहुत बड़े तौर पर निर्भर रहती है एक और चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि नाइनटी नाइन परसेंट एम एस एम ईज आर माइक्रो एज पर द डेफिनेशन जो अभी तक हमने सरकार की देखी थी तो 99% नाइन परसेंट एम एस आर माइक्रो माइक्रो एम होने का एक भारत के कंटेक्सट में फ़ायदा यह है कुछ लॉसेस भी हैं पर फ़ायदा भी है एक फ़ायदा यह है कि जनरली जो छोटे उद्योग होते हैं इस तरीके से दे आर नॉट कैपिटल इंटेंसिव वो पूंजी के आधार पर बड़ी मशीनरी मशीनरी स्टैब्लिश करके काम नहीं करते हैं वो लेबर के बेसिस पे काम करते हैं दैट्स वाई सच माइक्रो एंटरप्राइज जनरली गिव अ लॉट ऑफ employment opportunities एंड 99% of MSMEs ऑफ़ micro. आर माइक्रो इसका एक और कंटेक्सट है कि कई बार जो माइक्रो इंटरप्राइजेज़ हैं उन्हें चूँकि सरकार ज़्यादा जा, छूट देती है रियायतें ज़्यादा रहती हैं उनके लिए एज़ कम्पेयर टू स्मॉल और मीडियम एम एम ईज ऐसा देखने में आया है कि कई बार एम एस एम ईज जो माइक्रो हैं वो ऑफिशली कभी स्मॉल या मीडियम पर कन्वर्ट नहीं होती ताकि उन्हें इनके माइक्रो होने के बेनिफिट मिलते रहें सो आई हैव डिस्कस दिस थिंग दैट दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ जॉब्स करंट डेटा इज एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा दे प्रोवाइड इलेवन करोड़ जॉब्स सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम एस एम ईज बट इन स्पाइट ऑफ सच इम्पॉर्टेंस एम एस एम ईज आर फेसिंग सम लॉट ऑफ प्रॉब्लम जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम है कि एम एस एम ईज़ डू टेक लोन्स क्योंकि वर्किंग कैपिटल चाहिए नई मशीनरी चाहिए उसके तो लिए दे टेक लोन्स और करेंटली लगभग अस्सी हज़ार करोड़ के लोन्स आर टर्निंग आउट टू बी बैड लोन्स मतलब इन एम एस एम ईज ने लोन लिया एंड ऑन टाइम ड्यू डेट दे आर नॉट एबल टू रीपे बैक द अमाउंट अस्सी हज़ार करोड़ इस करेंटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की टेक्निकल डेफिनेशन विल सी फर्दर इन आर बैंकिंग पार्ट दूसरा इशू लिक्विडिटी का है खासकर अब कोविड क्राइसिस के बाद जो पैसों का फ्लो है वो ऑलमोस्ट रुक चुका है तो जो तरल पैसा है जो लिक्विड पैसा है जिससे कि रोज़मर्रा के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं सैलरी के रॉ मटेरियल खरीदने के इसमें बड़ी समस्याएँ मैसेमीज़ आर फेसिंग ये कोविड क्राइसिस तो एक तरीके का नमक है इससे पहले एम एस एम ईज बुरी तरीके से जली हुई हैं दैट इज़ एट द टाइम ऑफ डी एक साथ 80% परसेंट कैश मार्केट से खत्म होने के कारण एम एस एम ईज के ऑपरेशन बुरी तरीके से सबसे बुरी तरीके से वन ऑफ द सेगमेंट वॉज अफेक्टेड वॉज एम एस एम ईज तो उससे उभरे ही थे कि कोविड आ गया तो एम एस एम ईज आर इन वेरी वेरी पुअर कंडीशन वट स्टेप्स हैव बिन अनाउंस इन बजट फॉर एम एस एम ईस फिलहाल के लिए एम एस एम ईस को ये राहत दी गई थी कि अगर आपने अभी तक अपने लोन पर डिफॉल्ट नहीं कराए मतलब अभी तक अगर आपने आपकी किश्तें समय पर पे करी हैं तो ऐसी एम एस एम ईस के लिए आर बी आई ने बैंक्स को अलाउ करा था कि वो उनके मतलब उनके मतलब एम के द्वारा ली गई उधारी को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं इसी को हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट का मतलब कि जिन शर्तों पे एम ने उधारी ली थी जैसे कुछ क्या शर्तें होंगी हम 10 साल में लोन चुका देंगे हर महीने की किस्त दस हज़ार होगी इस पर जो हम ब्याज कैलकुलेट जो हम ब्याज पे करेंगे वो दस परसेंट होगा कुछ ये ब्रॉड शर्तें होती हैं जिन पे एम एस एम ने लोन लिया होगा चूँकि एम एस इतनी बुरी स्थिति में थी तो आर ने बैंक्स को अलाव करा है कि वो उनके डेट को री कर सकें री मतलब इन शर्तों में बैंक्स को अब अधिकार है कि वो चाहे तो एम एस एम ईज के साथ इन शर्तों में कुछ रियायत बदल सकते हैं बरत सकते हैं इसी को हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट जैसे एक तरीका पहले एम ने दस साल के लिए लोन लिया था बैंक चाहे तो अब इसे रीस्ट्रक्चर करके बोल सकता है कि दस साल नहीं आप बीस साल में चुकाइएगा आप 10 परसेंट ब्याज पे आपने लोन लिया था 10 परसेंट नहीं आप 8 परसेंट ब्याज पे करिए तो आर बी आई हैज़ अलाउड री स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट जो कि मार्च दो में खत्म हो रहा था कि बैंक्स इसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते इस बजट में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड कि वी आर एक्सटेंडिंग दिस रीस्ट्रक्चरिंग टू 2021 दूसरा पॉइंट कि नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग मोर एंड मोर एम टू टेक हेल्प ऑफ टू बी पार्ट ऑफ ट्रेड्स ट्रेड्स इज ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम trades? i would like to explain it uh, with a notepad and before this i would like to explain what do you mean by discounting so let us move to notepad so i will explain uh, discounting first with a hypothetical example and then we will move towards the technical definition suppose there is a one party a reliance and there is टाटाज टाटा ने रिलायंस को सौ रुपए का से कोई गुड्स बेचे लेकिन रिलायंस ने कहा कि भाई अभी सौ रुपए नहीं दे पाएंगे छः महीने बाद देंगे इसके बदले रिलायंस ने अपना एक बिल दे दिया टाटाज़ को जिस पर से रिलायंस के अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर हैं तो टाटा के पास बिल है जो कि कह रहा है कि ये सौ रुपये छः महीने के बाद पे करेंगे फाइन टाटाज कैन वेट फॉर सिक्स मंथ्स नाउ, लेकिन मान लीजिए कि कल ही टाटाज को ऐसा लग रहा है कि यार ये सौ रुपये छः महीने बाद आएंगे इसकी बजाय आज ही अगर नब्बे रुपये मिल जाते हैं तो वी कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स एंड मेक इट बिग सो व टाटाज कैन डू इज़ दे कैन गेट दिस बिल डिस्काउंटेड मीन्स टाटास कैन गो टू अ बैंक एंड सेल दिस बिल एट से रुपीज नाइन्टी टाटाज बिल से कि देखो हम आपको ये बिल दे रहे हैं नब्बे रुपये में आपको छः महीने बाद रिलायंस सौ रुपये पे कर देगा आप हमें आज नब्बे रुपये पे कर दीजिए इन अ वे टाटाज इज़ ऑल्सो हैप्पी कि यार नब्बे रुपये मिल गए छः महीने बाद के सौ रुपये से हमारे लिए आज अच्छा है कि आज नब्बे रुपये मिल जाए तो टाटाज आर हैप्पी बैंक इज़ ऑल्सो बेनिफिटिंग कि उसने आज नब्बे रुपए दिए हैं टाटास को लेकिन छः महीने बाद उसे रिलायंस से सौ रुपये मिल जाएंगे सो हियर वी से कि वॉट टाटाज हैव डिड इज़ दे हैव डिस्काउंटेड दी बिल सो व्हेन यू सेल योर इन्वॉइस एट अ लोअर रेट देन इट वॉज़ एक्चुअली एंटिसिपेटेड टू बी रिडीम डैट इन फ्यूचर इज नोन एज डिस्काउंटिंग नाउ इसका एम एस एम ई ट्रेड से क्या लेना देना सिंपल जस्ट थिंक कि रिलायंस और टाटा कॉरपोरेट्स ना होकर छोटे एम एस एम ईज हैं तो रिलायंस ने आज सौ रुपये की जो चीज़ें खरीदी हैं उसके बदले टाटा को वो आज सौ रुपये पे नहीं कर रहा है टाटा एक छोटा उद्योग है मान लीजिए पापड़ बनाने का नाउ टाटाज़ विल लाइक टू हैव कि आज छः महीने बाद सौ रुपए आएंगे आज हमें नब्बे रुपये की पापड़ बनाने की मशीन खरीदनी है अर्जेंटली तो फिर क्या करें ऑपरेशनल कैपिटल की समस्या थी एम एस एम ईज को कि उन्हें लिक्विड फाइनेंस अवेलेबिलिटी होने में समस्या होती थी गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड दिस ट्रेड प्लेटफॉर्म दैट इज ट्रेड रिसिवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम इस सॉफ्टवेयर पर आकर रिलायंस टाटाज और बैंक्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के इन्वाइसिस को सेल और परचेज़ कर सकते हैं एट अ डिस्काउंट जैसे कि टाटा ने करा उसे सौ रुपये छः महीने बाद इतनी वैल्यू नहीं थे जितनी आज के नब्बे रुपये तो वो ट्रेड पर जाकर अपना बिल किसी बैंक को या किसी और थर्ड पार्टी को बेच सकता है और आज का अपना फाइनेंस जुटा सकता है ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसी को हम बोलते हैं ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम सो कमिंग बैक टू आर स्लाइड्स गवर्नमेंट हैज सेड दैट मोर एंड मोर एमएसएमईज़ वुड बी बॉट ऑन दिस ट्रेड प्लेटफॉर्म ताकि वो अपने जो भी बिल्स हैं उसे डिस्काउंट पर बेचकर अपने वर्किंग कैपिटल को तेजी से पा सकें और नए इन्वेस्टमेंट जारी रख सकें नेक्स्ट इज अबाउट स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स मतलब एक नई कंपनी लेकिन यू नीड टू अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन कि नई कंपनी मतलब कितनी नई इस बजट में सरकार ने कुछ बदलाव करे हैं पहले सात साल अगर एक कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट को हुए हैं उससे ज़्यादा हुए हैं तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा सात साल से कम हुए हैं तो इट वॉज कंसिडर्ड स्टार्टअप इस परिभाषा में बदलाव कराए और अब दस साल की थ्रेश होल्ड लिमिट कर दी है दस साल से कम की अगर उम्र है उस कंपनी की इट वुड बी कंसिडर्ड ए स्टार्टअप दूसरी रियायत जो दी है स्टार्टअप्स को इस बजट में वो टैक्स संबंधी है पहले एक स्टार्टअप जिसका 25 करोड़ से कम का टर्नओवर था उसे टैक्स में छूट दी जाती थी इस चीज़ को बदला गया है और ज़्यादा स्टार्टअप्स को कवर करने की कोशिश करी गई है टैक्स में रियायत देने के लिए और अब परिभाषा है कि ऐसी स्टार्टअप्स जिनका टर्न 100 सौ करोड़ से कम का है दे उस वुड बी कंसिडर्ड फॉर टैक्स एग्जेंशन स्टार्टअप्स मतलब नई कंपनीज नई कंपनीज़ कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करती हैं दे जनरली फेस प्रॉब्लम्स इन फाइलिंग पेटेंट्स कॉपी राइट्स एक्सेट्रा ये पेटेंट्स कॉपीराइट्स क्या है इट विल बी कवर्ड इन फर्दर लेक्चर्स तो पर एक आम अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि आपने कोई नया आविष्कार करा है आपकी कोई बौद्धिक संपदा है से किसी स्टार्टअप ने अपने दिमागी खोज से, से कोरोना की वैक्सीन निकाली तो ये उसकी बौद्धिक संपदा है एक बार उसने वैक्सीन निकाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब लोगों को केमिकल पता चल गया तो उसका मास प्रोडक्शन हो गया फिर तो स्टार्टअप को कोई इंसेंटिव ही नहीं रहा इतनी रिसर्च करके नई वैक्सीन निकालने का ऐसी सुरक्षा के लिए देर आर सम टूल्स अवेलेबल जैसे पेटेंट अगर ये स्टार्टअप इस वैक्सीन का पेटेंट करा लेगी तब कानूनी तौर पर बिना स्टार्टअप की मंजूरी के कोई उस वैक्सीन को बना नहीं सकता इस तरीके से स्टार्टअप अपना मॉनिटरी टर्म्स में बेनिफिट कर सकती है और मॉनिटरी टर्म्स में बेनिफिट करने के लिए उसको इंसेंटिव है कि वो खूब रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी तो बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दिस पेटेंट्स एंड कॉपी राइट्स एक आम अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी अभी इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से कि स्टार्टअप जनरली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम से जुड़ी होती हैं तो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइल देअर पेटेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर है सेट uh, कि जो आई पी आर का सिस्टम है इंटेलक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पेटेंट्स कॉपी राइट्स इन सबको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाएँगे और स्टार्टअप्स की मदद करेंगे कि वो सुचारू रूप से इसे फाइल कर सके। एक और अनाउंसमेंट हुआ है नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर्स अब ये क्या है एक स्टार्टअप ने मान लीजिए कि एक से कोई प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले जनरली दे वुड लाइक टू टेस्ट इट इस टेस्टिंग में भी बहुत सारा खर्चा होता है तो व्हाट गवर्नमेंट हैज सेट कि हम कॉमन टेस्टिंग बेड्स बनाएंगे जहाँ पर कि भारत की स्टार्टअप्स अलग अलग रीजन्स की स्टार्टअप आकर उस कॉमन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें इससे उन्हें खुद सेपरेटली इंडिविजुअल प्राइवेट खर्चे टेस्टिंग पर करने की ज़रूरत नहीं होगी दिस इज़ नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर्स आर टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर्स अलग अलग टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर ऐसे टेस्टिंग बेड्स बनाए जाएंगे इंक्लूडिंग न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स विद टेस्ट बेड्स इन स्मॉल स्केल मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी

कंसेप्ट ताकि कम खर्चों में टेस्टिंग पूरी हो सके और उसे मार्केट में रिलीज करा जा सके सो दिस इज इट अबाउट एम एस एम ईज एंड स्टार्टअप इन नेक्स्ट लेक्चर वी विड बी सींग फाइनेंशियल सेगमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्ड पे सरकार ने बजट में क्या अनाउंसमेंट करें हैं थैंक यू